जहां एक ओर सूबे की सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं सरकार के कुछ मुलाजिम अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर क्षेत्र का है, जहां बीती शाम को सीबीआई की टीम ने ईपीएफओ के जगाधरी स्थित ऑफिस में रेड की और मौके से प्रवर्तन अधिकारी और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को 1 लाख की रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों को सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई और जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि शिकायत सीबीआई के पास पहुंची थी। एक फार्म के मालिक ने शिकायत दी थी कि नवंबर 2018 से जुलाई 2019 के दौरान उसने अपने कर्मचारियों का पूरा फंड जमा कराया था, लेकिन उसके बाद भी ईपीएफओ के अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया था और परेशान किया जा रहा था। उसके खिलाफ चल रही जांच को डिसमिस करने के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी गई। इस शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया, जिसके बाद सीबीआई की टीम जगाधरी स्थित अंबाला रोड पर ईपीएफओ के ऑफिस में पहुंची और वहां से प्रवर्तन अधिकारी और उसके एक साथी अशोक कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बहरहाल सीबीआई की दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और आगामी कार्रवाई भी जारी है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।